लिए मेरी ओर से पहला गीत है। फिल्म दुनिया वाले गा रहे हैं क्या? अरे सम्मान श्री सत्येंद्र कुमार शिवानी बैंड, सत्येंद्र भैया जी आपके कानों से श्रवण पर मुद्रा है, हृदय से श्रवण कर रही हूँ। और ये भाजपा बूथ अध्यक्ष सम्मान श्री रामचंद्र मधुकर जी, महामंत्री अनिल गौतम जी, आपके कर्मों से ये 51 मुद्रा भेंट हुई है। नमन है, धन्यवाद है, आदरणीय करुणा जी की सुनिए। विकास भैया की तरफ से फिर से 51 मुद्रा है। विकास भैया ढेर सारा धन्यवाद है, स्वागत है मेरे से। आज शनिवार का दिन, तो मैंने सोचा क्यों ना बाबा बजरंग बली की तरफ चला जाए। हम लोग रात भर हर क्षेत्र से गाते हैं, महाभारत से, रामायण से, गीता से, और जो भी ग्रंथों से, वेदों से, शास्त्रों से निकाल के गाते हैं। आदरणीय करवा जी पहला गीत है मेरी ओर से। बाबा बजरंग बली भेजिए, बाबा बजरंग बली जिनकी हम लोग क्या तारीफ कर सकते हैं। और क्या ये श्री शक्ति टमाटर वाले आपकी तरफ से 51 मुद्रा है, धन्यवाद है भैया जी। जो दुश्मन भी तारीफ कर जाए वो असली बलवान क्या, अपनी तारीफ और कोई कर लेता है। जब दुश्मन तारीफ कर दे तब तो तारीफ है। तुलसी साचे सूर की वैरी करे बखान, रहा साथ रहा दली खान साहब की दो पंक्तियां हैं। आदरणीय चाचा हमारे रहा दिंदोरी साहब की दो लाइनें मुझे याद आती हैं भैया। हाथों में खंजर, आंखों में पानी चाहिए। हाथों में खंजर, आंखों में पानी चाहिए, अरे हमें तो दुश्मन भी खानदानी चाहिए। तो हनुमान जी से कहा कि हमारा तुम्हारा युद्ध हो जाए। हनुमान जी ने कहा देखो लंबा युद्ध ना करना, एक एक मुक्के का युद्ध हो जाए, फ्री स्टाइल, क्योंकि
लंबा युद्ध इसलिए नहीं क्योंकि युद्ध बहुत लंबा चलेगा। तुम भी बलवान हो, हम पर भी प्रभु की कृपा है, जय हो। तो केवल एक एक मुक्के का युद्ध हो जाए। हनुमान जी ने रावण से कहा कि पहला मुक्का तुम मारो, पहला मुक्का तुम मारो। क्यों 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 रावण ने कहा हमें क्यों मारे, तभी मारो। हनुमान जी ने कहा पहला तुम इसलिए मार लो, कहो हम मारते तो तुम्हारा मौका ही ना आए। तो रावण ने कहा ठीक है। रावण ने बड़ी तेज गति से मुक्का मारा और जैसे मारा तो हनुमान जी वीरासन अवस्था में बैठे रहे, जा होते कभी भोग ना गिरा। अब हनुमान जी महाराज ने कहा तुम तैयार हो जाओ। रावण ने कहा तैयार ही है और कर भी कह सकते हैं। और जैसे हनुमान जी महाराज ने तेज गति से मुक्का उठाया और जैसे मारने गए तो उसकी ताकत खत्म हो जाए, हाथ ढीला पड़ जाए, कमजोर पड़ जाए। हनुमान जी ने कहा बात क्या है, जैसे देखा ऊपर तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े हैं। हनुमान जी ने कहा क्या हुआ ब्रह्मा जी, क्यों खड़े हो? बोले प्रभु मैं ये निवेदन कर रहा हूँ इसे आप छोड़ दो, अगर आपने अपने बल के अनुसार इसको मुक्का मार दिया तो लगता है कि राम जी का तो नंबर ही नहीं आया। तो हनुमान जी ने कहा था थोड़ा बहुत तो मार लेने दो, ठीक है मार लो महाराज। हनुमान जी ने जो मुक्का मारा भैया तो उसी क्षण रावण को मूर्छा आ गई। रावण फिर मूर्छित गिर पड़ा ज्यादा, तो वो यही कहने लगा भैया जी कपिबल विपुल सराहन लागा। वाह 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 वाह, कोई बलशाली पहली बार मिला है। तो मेरे ग्यारह मुराद करुणा जी सुने गए सुने, अरे कोई नहीं है सुनिए। और भैया की तरफ से फिर से हमारे भैया मुकेश के लिए आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, धन्यवाद है। सुनना गीत को सुनना। आप लोगों से निवेदन चाहूंगी गीत को सुनिएगा, परमा जी आप शंकर स्वयं केसरी नंदन और वो शंकर जी को जब देखा तो उनकी छवि को देख करके मिला क्या है क्या अरे बात ही तो शंभु पे सवार है। पांच लोग बोले रात सवार है, कौन कौन है? गंगा वासुकी चंद्रमा राहु की माला और आधे में माता भवानी। अरे पांच ही तो शंभु पे सवार है, लेकिन जब इन्होंने हनुमान जी के रूप में जन्म लिया तो अरे पांच ही तो लाए कपि श्रृंगार है, पांच श्रृंगार या कोप से ही लेके जन्मे। लोग कहते क्या लेके आया थे और क्या लेके जाएगा, लेकिन बजरंगबली सरकार वो है कि जो मां की कोख से ही पांच श्रृंगार लेके आए हैं। करुणा जी और श्रृंगार है यज्ञ कवि कोपी कुंडल लंगोट और हार, पांच ही तो लाए श्रृंगार।
श्री रवि गणी बहन जी बहुत अच्छे कलमकार है कानपुर के। पांच वरदान दिए हैं माता जानकी ने कि आशीष से दीन राम प्रिय जाना हो पाप बल सील निधारा वलसील के निधान हो अजर अमर हो कुन निज सुत हो जाओ तो पाच ही पाए है पर दबा संसार निर्धारित है जिनको कहा जाता पंच प्राण। और पंच प्राण जानते हो कौन कौन है? वैसे तो लोग कहते हैं हमारे तो एक ही प्राण है, लेकिन नहीं, पंच प्राण होते हैं अदने करुणा जी। पहला होता प्राण, दूसरा होता अपान, तीसरा होता समान, चौथा होता उदान, पांचवा होता है बयान। ये पंच प्राण है लेकिन अरे पांच ही पे करे मोस्तक प्रहार है। बाबा भद्रकाली ने पांच लोगों पर मुष्टिका का प्रहार किया है। वो कौन कौन है? एक लक्ष्मी मुटुका, एक महाकपिहरी रुद्र प्रमद धरनी धनमनी, हनुमान जी ने पांच भाई और है। पांच ही बंधु है पन्ने दूध डेरी। फिर से पन्ने दूध, पन्ने दूध डेरी। आपके करकंदों से 101 मुद्राएं उतार रही हैं। हृदय से नमन कर रही हूं। धन्यवाद। शमणी माई रवि गहरी दादा जी बहुत अच्छे रचनाकार हैं। आप कानपुर से, आपके करकंदों से 51 पद मुद्राएं बैठ हुई हैं। नमन कर रही हूं। लेकिन दादा गहरी जी आप सभी से निवेदन है, आप ही टुकड़ा और सुनिए। सुनिए हल्ले बेटा शक्री जी भैया जी टमाटर वाले, आपकी तरफ से पुनः 51 पद मुद्राएं प्रदान कर रही हैं। धन्यवाद है। नमन है मेरे ऊपर। सुनना सुनना अरे बात ही तो सुनो, देवता गायक है। Jai Ho Bhola 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 Jai Ho Bh
माने हमारे ये सक्रिय टमाटर वाले बार बार अनगिनत आशीर्वाद प्रदान हो रहे हैं, मैं उनके ढेर सारा धन्यवाद है, नमन है और बहुत आशीर्वाद सुरक्षित रखे हैं। अभी मैं गीत के बाद बोल दूंगी। हाँ, मैं भी यही चाह रही हूँ कि अभी मैं गीत के बाद बोल दूंगी, आप लिख के पुरस्कार भेजते रहे। आइए सर, मुकेश के लिए तो नोटों की बारिश हो रही है। और क्या, नोटों की बारिश, मुकेश नोटों से फीक गया। सुनिए, अरे पांच ही तो सुनो ले सदा भवानी ताहिने सन्मुख रहत गणे, पंच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु ही तो सुनो जिस समय हनुमान जी महाराज ने लंका जलाई वहां, अरे काज ही तो तत्त हुए सहायक है। पांच तत्वों ने हनुमान जी महाराज की सहायता की लंका जलाने में। पांच तत्व कौन है? शिष्य जल पावक गगन शमीरा। पहले वायु ने सहयोग किया, हरि प्रेरित तई अवसर चले मरुत उचास। फिर आकाश करता है अट्टहास कर गर्जा की बड़ी लाग आकाश। फिर जाकर के पृथ्वी सहयोग करती है, देह विशाल परम हरवाई मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जराना सोई कई कारण गिरजा। भैया जी, आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का, पूरी लंका जल गई, पूरी लंका जल गई। हाँ, लेकिन पूछ नहीं जली। तो अग्नि कहीं ना कहीं सहायता कर रही है कि नहीं? अब पांचवा तत्व तो क्या बचा? क्या क्या बचा बताइए, क्या बचा? जल जल जल। अब पांचवा तत्व जल क्या सहयोग कर रहा भैया जी? कूद पड़ा पुन सिंधु मझारी। तो आगे बोलो जी, अरे पांच ही तो तत्व हुए सहायक है, पांच ही शीश है। पंचानन हनुमान जी कहते हैं कि नहीं? पांच ही शीश है। इनके प्रभु श्री राम जी हैं, आराध्य श्री राम, तो उनके तीन माता हैं, तो हनुमान जी महाराज के तीन पिता हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन पवन तनय हनुमान। ये शक्ति के धाम हैं, अतुलित बल धामम। ये जी अतुलित बल के धाम है, लेकिन राम जी तो अतुलित बल ही है उनके पास। क्योंकि जिस समय जैन ने चोट मारी तो जैन के पीछे राम जी का तीर गया, तो जैन क्या कहता है? अतुलित बल अतुलित बहुताई। और ये अतुलित बल धाम तो दोनों में सस्ता है भैया जी, लेकिन रावण की तारीफ कर रहा है हनुमान जी महाराज की। एक दिन तो रावण ने ये भी सोचा कि हम इसकी पूछ उखाड़ दें। पूछ उखाड़ दें, क्योंकि उसको पूछ से बड़ी नफरत हो गई जब से लंका जलाई। एक दिन हनुमान जी महाराज बैठे थे, रावण पीछे से आया, कहता है शंकर जी महाराज आपकी पूछ उखड़ जाए। और बड़ी तेज गति से उसने पूछ पकड़ा और
खींचने लगा तो हनुमान जी महाराज उड़े नहीं, हनुमान जी महाराज उड़े उड़े। अब जो रावण कह रहा था शंकर जी आपकी पूंछ उखड़े आए, वही रावण कह रहा है शंकर जी आपकी पूंछ ना उखड़े नहीं तो हमारी हड्डी पसली कुछ बचेगी नहीं। बहुत अच्छा गाया है, कल्पना नहीं कर सकते। हाँ हाँ सीधे सारे लोग हैं और हमारे यहाँ भंगड़ा का बहुत बड़े सादे ढंग से गाया जाता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। बहुत अच्छा गीत गाया तुमने कल्पना, अब ये मत कहना कि तुमने हमको कल्पना जी नहीं कहा, हमने तुमने को कल्पना जी कहा था, क्योंकि आपको इसका जवाब मिलेगा आगे। ज्यादा हो रही है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमारा नाम इतना भी बुरा नहीं है कि कोई बुला ले सके। कल्पना जी आपका नाम तो बहुत सुंदर है ही है, इसमें कोई शक नहीं, आप भी सुंदर, आपका नाम भी सुंदर, आपका काम भी सुंदर, तारीफ करते जैसा नाम पड़ा था वैसा काम भी पाया, लेकिन आइए चलते हैं, देखिए मेरी तरफ से प्रयास है केवल, यदि अच्छा लगे तो स्वीकार कीजिएगा। बजरंग बली के सवार, मेरी तरफ से प्रयास, जब आपने ये कहा तो मेरी तरफ से छोटा सा प्रयास है कि कोई नहीं
कहा था। अब मेरी तरफ से प्रयास कीजिएगा कि क्या छुई मंगलियां हनुमान की है। आशीर्वाद हुआ है, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है दादा का। और ये 100 रुपए 111 रुपए की मुद्राएं करंट कैटर्स एंड फुल कैटरिंग आउटडोर इंडोर कैटरिंग सुविधा 117/7 बटैया बाजार रावतपुर कानपुर वालों की तरफ से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है। और पांच ही छोटा सा प्रयास है सर, क्योंकि आपने बहुत सुंदर सुंदर बातें डाली हैं। और देखिए पांच पत्नियां थी जो हनुमान जी का नाम भी सुनिएगा। पहली पत्नी का नाम था सुभद्रा, दूसरी का सत्यवती, तीसरी का अनंतकुसुमा, चौथी का पद्मरागा और पांचवी का हरमालिनी। ये पांच पत्नियां थी, क्योंकि मुझे तो जवाब नहीं देना होगा।